इंश्योरेंस बेच दिया, LIC बेच दी, सब कुछ बेच कर खा गया ये भूखा नंगा आराम को। अच्छे दिन आया, फकीर जैसी हालत हो गई है हमारी, पता है आपको? इतना राशन महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कौन सा अच्छा दिन आया ये बता दो, एक दिन बता दो कौन सा अच्छा दिन आया। कमाई है दिल्ली में, पूरे देश में कमाई है। अरे हिंदू राष्ट्र बन रहा है, देखिए हिंदू खाने के लिए देगा हमें, खाने के लिए देगा। महंगाई इतना हो गया, क्या करेगा आदमी, रोजगार तो मिल नहीं रहा। मोदी तो अपने नोट पे अपनी फोटो छपाना चाह रहा है, ऐसा है क्या? लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है और तबाह होगा, तबाही दिखती। ये अंधभक्त है जिसकी कोई दवाई नहीं बिकती, ये अंधभक्त जो है इन्हें जिता रहे हैं, इनके अंदर दहशत बिठा दे। देखो अगर तुमने हमें वोट रहे तो मुगलों का राज जाएगा, मुसलमानों फिर तुम पे जुल्म करेंगे। ये हिंदुओं के अंदर डर बिठाना काम किया बीजेपी सरकार ने, झूठा बदनाम किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को झूठा बदनाम किया गया, सितेंद्र जैन जी को झूठा बदनाम किया गया, कोई आज तक कोई सबूत नहीं मिला उनको, बेफालतू में उठा के बंद कर देते हैं, बेफालतू का वो कर रहे हैं। इनके इतने इतने बड़े बड़े अडानी अंबानी इतने इतने ले लेके भाग गए हैं, उनको अपने बाप बना रखा है इन्होंने मोदी जी ने। क्या लग रहा है इसके जरिए 24 का भी कुछ इशारा दे रही है क्या? 24 का इशारा, 24 में आम आदमी पार्टी पूरे देश में आएगी, पूरे देश में, पूरे देश में। इतना बड़ा ऐलान, इतना बड़ा ऐलान है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कोई भी रोकने वाला नहीं है। आखिर किस कामों के जरिए प्रधानमंत्री? जो कि बिल्कुल जमीन से ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक एक से एक काम, शिक्षा क्रांति लो, हॉस्पिटल लो, सारा सब मोहल्ला क्लिनिक, क्या एक से एक इतना मतलब काम कर रहे हैं। शिक्षा का ले लो, स्वास्थ्य का ले लो भाई, तीर्थ यात्रा को मना ये करना वो करना, सारा शिक्षा का, पानी का, बिजली का, हर चीज में ये रोकना चाहते हैं, पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे आने वाले 2024 में। बीजेपी का भी तो यही दावा है कि हम लोगों की भलाई कर रहे हैं जी। नहीं नहीं कोई भलाई नहीं है, ये बुराई कर रहे हैं, गरीब आदमियों को बिल्कुल नीचे दबा रहे हैं, अमीर आदमी को ऊपर उठा रहे हैं। बीजेपी के राज में गरीब खुश नहीं, बिल्कुल नहीं है। अनाज भी बंद कर दिया इन्होंने, अब पानी भी बंद कर रहे हैं, बिजली भी बंद कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर जो आदमी अच्छा काम करे मंत्री ये पानी बिजली शिक्षा हर एक चीज बेचने के लिए लगे हुए हैं, ये कोई काम नहीं करेंगे। खरीदने वाला कौन? खरीदने वाला अड़वानी अड़ानी जो भी है इनके, उन्हीं को देंगे, उन्हीं को बेचेंगे, वो इनके इलेक्शन लड़वाते, वो जितवाते, वो हरवाते हैं बस। जनता करे तो करे क्या? जनता तो आम पार्टी को जाएगी। रेल बेच दी, इंश्योरेंस बेच दिया, LIC बेच दी, सब कुछ बेच कर खा गया ये भूखा नंगा आराम को। मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, नहीं ये विकास है, सब कुछ बेच दो और सबका विकास कर दो, है बेच कर सारा खा जाओ और विकास कर दो। विकास केजरीवाल जी कर रहे हैं, केजरीवाल जी कर रहे हैं क्या विकास? यस कर रहे हैं, शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, यस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, सिलेंडर मोदी ने कराए हैं और क्या, सिलेंडर महंगा हो गया और क्या, महंगा 1100 का हो रहा है और क्या, मोदी ने करवाया राज में, कांग्रेस के राज में 400 रुपए का सिलेंडर था, 400 रुपए का, उसमें भी 200 रुपए सब्सिडी आती थी अकाउंट में और आज 1103 रुपए का सिलेंडर है, कोई सब्सिडी नहीं। अच्छा काम करे, केजरीवाल को तो करने नहीं दे रहा तो क्या अच्छा काम करेंगे? कौन करने नहीं दे रहा? हाँ मोदी ने करने नहीं दे रहा है, मोदी ने तो जीना मोरे जीना हराम। मोदी जी का काम अच्छा नहीं, नहीं अच्छा है, हर चीज में महंगाई कर दिया। मोदी पैसे वालों के लिए काम करता है, मोदी पैसे वाले के लिए भी करते हैं, केजरीवाल के लिए कुछ नहीं करते हैं। क्या कहना चाहती है माता जी, क्या लग रहा है केजरीवाल जी का काम अच्छा लग रहा है क्या? आइए बात करते, क्या लग रहा है केजरीवाल जी का? हाँ केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, जब मोदी ने पहलवानों का साथ नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी का क्या साथ देंगे? तो केजरीवाल जी का क्या काम अच्छा लगा कि नहीं? बहुत काम अच्छा लगा। कैसे? कैसे पानी भी हमारे में, बस फ्री सब चीज उन्होंने किया है। हाँ माता जी, बस भी फ्री है, पानी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, यानी ये काम आपको मतलब केजरीवाल जी का अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है भाई। तो चाह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल हमेशा के लिए रहे, पूरे देश में आए, पूरे देश में, दिल्ली में नहीं पूरे देश में। यूपी के बारे में पूछ दे करो, यूपी क्या कर रहा है? यूपी में चोर बैठा रखा, पहले नोटबंदी करी,
लोगों को लाइन में लगा दिया, मरा कौन? गरीब आदमी। अब 2000 का नोट बंद कर दिया, वो अमीर हो गए, घर बैठे बैठे बदली हो रहे, गरीब आदमी बेचारा। तो बोले मास्टर स्टॉक है, मास्टर स्टॉक है, आज तक उसने ये तो नहीं बताया मास्टर स्टॉक कितना आया, पैसा कितना जमा हुआ बैंकों में। क्या बोला? लॉकडाउन भी कर दिया, उधर नोटबंदी कर दिया, खाने खाने पे कर सबको मार दिया, सबका रोजी रोटी छीन लिया। हाँ, फिर हम किस बात के लिए मोदी के साथ दे देंगे भाई? हम सारे लेडीज मोदी जी के साथ है। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। यानी आप लोग सब केजरीवाल जी? केजरीवाल। पानी फ्री, बच्चा किराया फ्री और राशन भी फ्री मिल रहा था। अब तो अब पहले तो मिल रहा। तो मोदी जी भी तो कुछ फ्री दे रहे हो? वहाँ कुछ भी नहीं दे रहा, फ्री नहीं दे रहा है। मोदी तो उधर तो फ्री दे रहा है, उधर तो ले रहा है। मोदी कुछ फ्री नहीं दे रहा है, वो ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हर चीज ले रहा है, रोजगार उगार सब तो ले लिया। हाँ, सब ले लिया। क्या रह गया? सब गरीब ऐसे ही मर रहा है, रोड पर ऐसे ही तरप रहा है, कोई कुछ के लिए, कोई दाना के लिए, कुछ के लिए तरप रहा है। महंगाई इतना हो गया, क्या करेगा आदमी? रोजगार तो मिल नहीं रहा। मोदी तो अपने नोट पे अपनी फोटो छपाना चाह रहा है, ऐसा है क्या? है तो नोट पे अपनी फोटो, ऐसा ही है, नोट पे अपनी फोटो चलेगा, उसका भी वो फोटो ही चलेगा, और उसका चलेगा ना तो फोटो वो अपना भी डाल देगा। मोदी जी ने करा क्या ये तो बता दो, एक क्या क्या? अच्छे दिन नहीं आए आप लोगों के? अच्छे दिन आए हैं। फकीर जैसी हालत हो गई हमारी, पता है आपको? इतना राशन महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कौन सा अच्छा दिन आया ये बता दो, एक दिन बता दो कौन सा अच्छा दिन आया। कमाई है दिल्ली में, पूरे देश में कमाई है। अरे हिंदू राष्ट्र बन रहा है, देखिए हिंदू खाने के लिए देगा हमें, खाने के लिए देगा। कैसी बात कर रहे हो भैया, हिंदू राष्ट्र खाने देगा? भाईचारा बना, नहीं भाईचारा बना के रखो आप, भाईचारा हो सब में बातचीत बनेगी। ऐसे हिंदू मुस्लिम मत फैलाओ भैया, हाथ जोड़ के हिंदू मुस्लिम मत फैलाओ बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार है। फिर भी नहीं चाह रहे हैं आप? भैया हमारा ये देश है भाईचारे वाला, हमारा देश है भाईचारा, भाईचारा बना के रखो। बात से सहमत है इनकी जी? बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। देखो मनीष सिसोदिया ने 18 लाख बच्चों की जिंदगी सुधार दी, लेकिन बीजेपी को अच्छे लोग पसंद नहीं आते। ये चाहते हैं देश को धर्म में उलझाव रखो, देश को अनपढ़ जाहिल का गवार रखो, ताकि ये सवाल ना पैदा करें। शिक्षा सवाल पैदा करती है जी। दिल्ली में कितना अच्छे हॉस्पिटल बना दे, जिधर रैन बसेरा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली को सुधार के रख दी केजरीवाल ने। तो ये बीजेपी चाहती है कि देश में लोगों को अनपढ़ जाहिल और गवार रखा जाए, ताकि सवाल पैदा ना करें हमसे। अरे मनीष सिसोदिया बेचारे, सत्येंद्र जैन ने कितना अच्छा काम करा दिल्ली के अंदर, और ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हम सोचते मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे देश में। एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किए हैं, तभी मनीष सिसोदिया को पकड़ा गया है। अजी ये सब झूठ है, लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और तबाह हो गए, तबाही थी ये अंधभक्त है, जिसकी कोई दवाई नहीं बिकती। ये अंधभक्त जो है इन्हें जिता रहे हैं, इनके अंदर देश बिठा दे। देखो अगर तुमने हमें वोट रहे तो मुगलों का राज जाएगा, मुसलमानों फिर तुम पे जुल्म करेंगे। ये हिंदू के अंदर डर डर बिठाने का काम किया बीजेपी सरकार ने। अच्छा अच्छा जी, इसलिए हिंदू जो है बेचारे इनकी चक्कर में आ रहे हैं जी। ये लोगों पर जाहिल गवार रखना चाहते हैं, और केजरीवाल जो शिक्षा की तालीम देना चाहता है, बहुत अच्छा। ठीक है।